अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सुहेब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की रूटीन जो है वो ये है कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी जाना है। तो अभी भी याद आया कि किसी ज़माने में हम स्टूडेंट थे, तो अब एक साइड से जो है वो समर वेकेशन हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा रूटीन में जो है वो हमें मिल गया, रिलैक्सेशन मिल गई, हमें रिलैक्स है हम थोड़ी सी रूटीन साइड से। तो अब ये है कि थोड़ा सा सीरियस होकर स्टडीज़ की तरफ तवज्जो देनी है। तो अब वहाँ बाकी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह स्टडीज़ पे कैसे तवज्जो देनी है, क्योंकि मैं जो अभी तक नहीं गया, काफ़ी टाइम से मैं जो था वो छुट्टियों पे था। तो अब नहीं पता कि आप मज़ीद ना गया तो अलबत्ता मुझे टीचर्स ने जो है वो कहना है भाई आप घर बैठे डिग्री आपकी घर पहुँचा देंगे। तो इसलिए जो है वो ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता, तो बस निकल रहा हूँ, टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है, तो चलते हैं। फाइनली जो है वो यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए हमने सोचा सॉफ्ट ड्रिंक्स कर फिर आगे जाएँ, क्योंकि धूप बहुत सख्त है। आप ये देख सकते हैं, साथ दिखाएं ना, धूप बहुत सख्त है। सूरज आपको सूरज किधर है? सूरज छाँव में खड़े। हाँ जी, यही बात है। बाकी बस क्लास में जो है वो लेट ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन ये है कि अभी बाइक ढूंढते हैं, बाइक अपना ढूंढते हैं, अपने बैग उठाने, बैग रखा था। तो बस ये जी, हम पहुँच चुके हैं, ठीक है, ज़ोरों शोर से आपको दो हस्तियाँ दिखाते हैं अपनी क्लास की, पहुँचने वाले हम आ रहे हैं बिल्कुल। ये देख तो रहे होंगे कि कितने जो हैं ये शहजादे डिसेंट बंदे हैं जो आ रहे हैं। भाई आप सीधे होके बैठे, हमजा भाई आप नीचे होके सीधे होके बैठे, बहन और भाई का प्यार चेक प्यार चेक कर रहे हैं। मैं गोश्त खा रहा हूँ। लोग यही तो होते हैं, प्रो मैक्स आलम लोग, ये नज़र आ रहे हैं, ये अकेले अकेले खा लेते हैं, खाली डब्बे दिखाते हैं फिर हमें। एक एक सच्चे लोग हमारे साथ जो मैं ग्रीन हूँ साथ बैठे तो नहीं जाते हैं क्लास में, वो चीज़ें उठा के मैम से पूछ के आ जाएंगे। तो ये इन भाई के तो आप जानते होंगे, आज बड़े प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो है चश्मे, सॉरी मेरी मुँह टिंगी आ रही है, चश्मे बदूर अमार हसन, और इनके चश्मे बदूर जो है वो बिल्कुल आंखों के सामने ये चुटकी काट रहे हैं। तो और एक और है जनाब, आ जाए आ जाए, ये हाल है, ये आदत, जाने मन जाने जान। ये आपने कानों में क्या दो दो लगाए हुए? ये एक मेरा है, किसका? ये क्या होता है? वो हमने आधे आधे पैसे करके लिए। क्या होता है ये? ये इनकी गर्लफ्रेंड, पैसे लेते हैं, ये इनकी गर्लफ्रेंड होती है। ओके ओके, इतने शरीफ हैं ना, जब जिस तरह यहाँ से यूनिवर्सिटी से जाऊँगा ना, मैं ये बात में शराफत में लिख के जाऊँगा कि मैं बिल्कुल सिंगल आया था, सिंगल जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी सिंगल आए थे इस बात के बाद, मैं यस तो नहीं रोक रही, मगर बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपसे सच मैंने आज तक दुनिया में देखा। वो बात यह है कि हम क्लास में पहुँच चुके हैं, क्लास मेंटर होने वाले हैं। ये है जी हमारी क्लास, क्लास में को शेख बनाने लगे, इनको कतर का सिक्योरिटी वीज़ा चाहिए, दरकार है, और इस वजह से शेख बन रहे हैं। मैम ने निकाल दिया क्लास से, मैम जल्ला हबीब जल्ला बाबा अस्सलाम अलैकुम या बाबा नूरे मंजूर या बाबा अल्लाह हो या बाबा अस्सलाम अलैक या बाबा नूरे मंजूर या बाबा नानू तेरा बड़ी मारी मान आई अदर है, आपको मैं शेख से मिलवाता हूँ। मैम मैम ने हमें हमारी ताज़ी ताज़ी इज्जत की है, और ताज़ी ताज़ी इज्जत कराने के बाद शेख साहब हमारे साथ आ रहे हैं। हबीबी कम टू दुबई, और ये शेख साहब आए हैं कतर से, और मरियम नवाज से स्पेशल मिलने आए हैं, और ये भाई आप मीटिंग कराएंगे इनकी मरियम नवाज के साथ, ताकि पाकिस्तान का बकाया कर्जा बच जाए, और जो जो हमारे मुल्क का कर्ज है
वो इन इन भाई साहब के पास उतरेगा और इनकी डिमांड है सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज। मरियम नवाज ओ या शेख, या शेख, या शेख आ रहे हैं, या शेख आ बता दिया। दो एक सेकंड पीछे दो एक सेकंड तो दो सेकंड शेख साहब को घर कोई वो साइड पे जाना क्या कहते हैं शेख साहब, यहाँ घर में नहीं है यहाँ यहाँ पे एसी लगवा रहे लगवा दी शेख साहब। तो शेख साहब ये हमारा भाई दोस्त हो, ये हमारा दोस्त, हमारा दोस्त होती छठे सेमेस्टर का दोस्त बनी और बहुत हमने इसको थोड़ा सा दलील करवाई लेकिन अब हमको माफ सबसे ज़्यादा शरीफ थी भाई। आप ब्लॉग में आके हाथ बुला लें और माय चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आए बात सुन, तकरीर का मौजू ये है कि पाकिस्तान पे जितना कर्जा है वो हम ख़त्म करवाएंगे। शेख साहब आ गए हैं, रात को उनकी फ़्लाइट थी, ये यूनिवर्सिटी आपके सवाल में पहुंच चुके हैं। शेख साहब को उर्दू नहीं समझो, हमने शेख खान बेल का कुआं निकाला, हमने इधर से शेख बैठी, शेख बैठी, शेख कहती खड्डा खोद दी नीचे से धुआं निकल दी। ठीक है शेख साहब या सीट हो, शेख साहब या सीट हो, शेख साहब उर्दू समझ नहीं आती, हम तुमको इंग्लिश में बोलती समझाती, शेख साहब सिर्फ इंग्लिश बोलती। शेख कहती, शेख कहती ये बड़ा छेड़ बंदा है, बड़ा छेड़ है, ये लड़का हमको देती हम तुम्हारा कर्जा खत्म करते। शेख साहब का बंदा पसंद आ गया, फर्स्ट बैक मैनेजर। ये शेख साहब इसको गाना ना करती, ये हमारा सरमाया होती, हमारा छापर होती। उधर से पानी लीक होती लगता है, तेल का कुआं बगने शुरू हो गया, वो देखा तो बात तेल 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 देखती तेल देखती, वो मेरा मोटरसाइकिल वहाँ से ले फुल करो टैंका इसका। अब हम जा रहे हैं बीएस ब्लॉक की तरफ, वहाँ पे हमने वो मैंने रिकॉर्ड की। अब हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी, ये दौरा करने आए स्पेशली, आज दौरा तो यूनिवर्सिटी तो चकवाल तो वेरा तो पहुँचा तो असल में तो चार जगह तो वेस्टर्न ब्लॉक ऑन आज दौरा। असल में ये है ना कि हमें वो देखे हुए शेख मैंने भी देख लिया, मैम ने हजम नहीं हुआ उनसे, उनसे हजम नहीं हुआ, इतने प्यारे लगे, तरक्की उनको हजम तरक्की हजम नहीं हुई। फिर हमें नीचे बुलाया गया और सर ने कहा कि मैं हमारे सामने जो है वो परफॉर्म करके दिखाऊं। कुछ कुछ ये आप दूसरी परफॉर्मेंस आपको नजर आ ही रही हो, ये शेख साहब, ये दूसरे शेख साहब, उन्होंने कहा कि शेख साहब आए, हम अभी भी पूरी प्रोटोकॉल देंगे शेख साहब को, उन्होंने कहा दोबारा से परफॉर्मेंस करें तब मैं आपको छोड़ूंगा, और मैम ने परमिशन दे दिया कि आप जाए परफॉर्म करके। हम जा रहे हैं अपने दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये शेख साहब है यूनिवर्सिटी का विज़िट करने आए हुए थे, तो चेक कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी कहाँ तक पहुँची है, किधर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने सऊदीया से आवाम मंगवानी है, अब चीज़ पाकिस्तानी आएगी पढ़ रही यहाँ पे, मेरा जुत्ती ले गई। तो यहाँ पे अब चीज जो है वो पाकिस्तानी आएंगे, सारा लैंड है खत्री साहब, ये हमारा सारा लैंड, ये सारा लैंड है, ये लैंड चेक करने आए हुए हैं। शेख साहब को असल में सिर्फ गुब्बारे पसंद है, गुब्बारे से खेलते हैं, शेख कोई लेना देने नहीं है यूनिवर्सिटी के साथ, शेख कहता है मुझे सिर्फ गुब्बारे। मसला ये था, मसला ये था कि सारा आगे थे, तो बस ये अब ये है कि अगली कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ ही रही होगी, यहाँ पे अब हमने करवाना है जी सारा शेख साहब को विज़िट। हाँ जी शेख खतून, असल में आज इनका जहाज़ जो था वो ख़राब हो गया था हमारा, आज शेख साहब जो है चल के जा रहे हैं, शेख साहब कंस्ट्रक्शन वर्क चेक कर रहे हैं। माशाल्लाह जी जी। तो कतर से ये है जी शेख साहब हमारे बीएस डिपार्टमेंट का विज़िट करने आए, यहाँ पे असल में हमने कतर की आवाम बुलानी है, स्टूडेंट आए जी कतर से पढ़ने, हम कह रहे हैं कि सऊदी और कतर के सऊदी और कतर के लोग आएंगे यहाँ पे।
साहब ये है जी हमारी पुरानी ओल्ड बिल्डिंग। नज़र तो आपको आ ही रही होगी, ये चेक करने आ आए हुए थे। काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा? पहले 3 महीने लगा के उर्दू सीख किया, मुश्किल से उर्दू आई है। उर्दू में आइट्स किया, उर्दू में आइट्स किया आपने? हबीबी कम टू दुबई। सर ने कहा पूरे डिपा पूरी यूनिवर्सिटी में चक्कर होगा तो माफ़ी मिलेगी, हमने कहा ठीक है। वीडियो हमने चेक करवानी है, हाँ अब अपने सर वीडियो चेक करेंगे कि चक्कर लगाया नहीं लगा। दुबई पहले तो खूब बेचे आए उन, फिर बेच के रियाल कमाए उन, फ्री दे ये दावर आया तुम बैक कैमरे लगाया तो काल अफशी आया तो अभी भी कम टू दुबई पाकिस्तान अफशी भी आया था, यहाँ भी अफशी वगैरह भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना। आ जाओ ये हमारे ओजी भाई, ओजी भाई हाय 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 ना आज आओ आज आप हम अपने ब्लॉग पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दावर भाई। नहीं दावर भाई, दावर भाई क्या हाल है? ठीक है। और शेख साहब आए हैं, कितने से आए हैं शेख साहब? शेख साहब इधर से तो पड़े हैं। और बिस्मिल्लाह शेख साहब की लास्ट में थोड़ा वैसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो क्लास को ठीक करें फौरन। शेख हाजी से जाग पे चला गया शेख गुनास। ये क्लास क्यों कर रही है? शेख साहब रुकना नहीं है, मैं आपको बताता जाता हूँ कहाँ पर रुकना है। ये ले शेख साहब, यहाँ पे क्लास। शेख साहब ये बंदे जो हैं इधर एक चक्कर लगा के आते हैं। आ जाए शेख साहब। नहीं नहीं शेर साहब गर्मी लगती है, ए सी वाले रूम से गुजरेंगे आप लोग। शेर अभी छतरा देते शेर साहब के लिए छतरी दे। शेर साहब को छतरी चाहिए। मैं बुशरा शेख साहब, मैं बुशरा वो मैं रोशनी छतरी बना रहा हूं। देखिए मैं शेख साहब आसान शेर साहब आए हुए थे, नाम ने बोला है कि बहुत ज्यादा और गर्मी बहुत हो गई है असल में। असल में शेख साहब, शेख साहब को हमारी गर्मी लग रही है। शेख साहब असल में सोचे की गर्मी क्या है, मुंह से आवाज दो ओके बारे शेख साहब को। शेख साहब ना, शेख साहब सोचे की गर्मी क्या है ना, इसलिए इनको असर नहीं हो रहा, असर नहीं करती। सीरियस बात है, मैं शेख साहब को दुखार हूं। शेख साहब को छतरी दो, शेख साहब खुद शेख साहब को छतरी दो, टोपी दो, ऐसे अंदर खोल दो शेख साहब को, टोपी दो शेख साहब को, मुंह से आवाज दो मैं कह रहा हूँ। शेख साहब को बेइज्जती क्यों हुए सर? सुन रहे हैं कर जाना मंगुण पाकिस्तान ये दूसरा बंदा कर दा मंगुण बस। अब का क्या स्कीम है साहब आपको पाकिस्तान का एक्सपीरियंस क्या कंटेंट होना चाहिए? मेरी मानो लंगड़ पा दो, लंगड़ पहन के आते हैं कुछ नहीं होता, रंग बिरंगियों पाक शेख साहब बहुत नोटी है। बात यह है कि आप कैपेसिटी जो थी वो इतनी थी हमारी, तो हो चुकी है तो आप सारा जायजा ले लिया, पूरा जायजा हो चुका है कंप्लीट। शेख साहब बैटरी पे चलते हैं, शेख साहब की बैटरी चार्ज बैटरी चार्ज करनी है तो शेख साहब की गाड़ी कतर से आए हैं, कितना फ्यूल लगे हैं कतर से जहाज पे आए हैं? अपना फ्यूल नहीं नहीं शेख साहब ने जहाज उतार रखा है, शेख साहब जहाज पे आए थे, कतर लैंड लॉक है ना इसलिए जहाज से आए, बैरी जहाज से नहीं आए। बस असल में आराम से चल रहे हैं, इसी मैम से हमने पहले बेइज्जती करवाई है तो मुझसे जान हाजिर क्लास में। तुम चलो 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 साफ है।
ब्रो असल में बात यह है कि थक हो चुके हैं, थक टोटली। और ये जो है शहजादे हमारे ले आए हैं जी, क्या लेके आए हैं? ये सिस्टम थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्ट ड्रिंक लेके आए हैं हम लोग। हम इतना एनर्जी हो जाए ताकि हम बस घर पहुंच जाएं थोड़ा सा। जी जी, पेट्रोल अब डालिए। फाइनली बात यह है कि हो चुके हैं फ्री, तो थक जो है वो शदीद चुके हैं। आपने आज लोग में देखेंगे कि आज कितना काम किया हमने, कितना पढ़े हम आज। और जो हमारे साथ आज हुआ है वो कहते हैं ना, अब एक मुहावरा भी है कि जिन बौना ने अपनी नौ नाल की थी, आज हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कुछ सीन। तो अब निकल रहे हैं बस वापस। तो ब्रो दिन भर की मुशक्क़त के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतना पढ़ने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ मुझे घर। तो घर पहुंचने के बाद फिर वो इस पुरानी रूटीन स्टार्ट होने वाली है। तो हाँ जी, ये मेरे शहजादे भी आ गए। आ जाओ बेल आइकन को दबा दो, बेल आइकन। तो ये शहजादे हैं, इनका जो है वो पेपर है परसों, फिर पेपर है केमिस्ट्री का पेपर है, सबसे इजी और सबसे मजे का सब्जेक्ट है। अच्छा सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। सॉरी सही वेदर का था, सिंगल शीट लो तो डिसाइड कराए हो, ठीक है। तो और बिल्कुल ठीक, और कोई नई ताज़ी आज दिन हुई अच्छी? क्या मसरूफियत थी? बस पेपर था ना। हाँ आज इनका उर्दू का पेपर था, तो इनको जो था वो गज़लें नहीं समझ आ रही थी। मैंने रात को समझाई थी, रात को ये 3 बजे अल्लाह के बंदे मेरे पास गज़लें लेके आ गए कि हमें गज़लें समझो, कि ये समझ नहीं आती कि ये क्या महबूब और पता नहीं क्या इश्क हकीकी होता है और इश्क मजाजी होता है। इश्क मजाजी नहीं, हाँ जी क्या होता है इश्क मजाजी? इश्क मजाजी वो अल्लाह की तरफ से होता है, इश्क हकीकी अल्लाह की तरफ से होता है। ये जो इश्क मजाजी तो अल्लाह की तरफ लेके जा रहे हो ना, वो इश्क अच्छा सही है, मैं कुछ नहीं बोलता। ज़्यादा इनको स्ट्रेस नहीं देना क्योंकि इनके जो है वो पेपर चल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इनको ईजी रखा मैं बिल्कुल। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खेलें कूदें जो मर्जी करें, पढ़ के क्या, ठीक है। आज ये कह रहे हैं कि पढ़ने वालों ने भी मर जाना है और अनपढ़ लोगों ने भी मर जाना है। बात वैसे ठीक है, बात में दम है, पर क्या है कि पढ़ने वालों की ज़िंदगी में और अनपढ़ लोगों के मरने की ज़िंदगी में जो होता है वो फ़र्क होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि पढ़ने वालों ने भी मरना है और अनपढ़ों ने भी मरना है। दूसरा जो शहजादा है वो सोया हुआ है क्योंकि उसने आज कुछ ज़्यादा ही रगड़ दिया है मेरे ख्याल में, उर्दू का पेपर ज़्यादा खो गया था गज़लों में। तो अब आगे इनके केमिस्ट्री का पेपर है, तो बस अब आप जा सकते हैं। तो ठीक है, अच्छा तो ये शहजादे जो हैं इधर गायब हैं, ठीक है। शक्ल तो मेरी नज़र नहीं आ रही होगी, ये अकेले रूम में बैठ कर ये क्या कर रहे हैं? म्यूज़िक इन्जॉय कर रहे हैं और मुझे देख कर इन्होंने वॉल्यूम जो इन्होंने कर दिया बिल्कुल स्लो, चला 0 पे कर दिया, वेरी गुड। चलिए कोई नहीं, जब म्यूज़िक लगा हुआ तो बंदे से खामोशी रिटर्न होता है, मैं जल्दी से ये काम भी कर लूँ। जाना है अपनी अपनी नौकरियों पे, अपनी अपनी जॉब पे, तो हंसते रहे मुस्कुराते रहे। तो अब जो है व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह डेली आएंगे, पक्का डेली आएंगे। तो बस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।